हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एनो 1800। तो अपन लोगों ने क्या करा था कि लास्ट में वीडियो में तुमने देखा होगा कि हमने एक तो ये आइलैंड बनाया था, फिर हमने यहाँ पे आर्टिसंस को मूव करके जो हमारा शिप ऑर्डर था वो कंप्लीट कर दिया और हमने एक्सपेडिशन भेजी थी। और अब हमारे पास जो है न्यू आइलैंड में, ये न्यू वर्ल्ड में ही आइलैंड आ चुका है। तो आज के वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ कि इस ऑर्डर्स आइलैंड को बिल्ड अप्रूव्ड। करूँगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा सामान पहले भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शायद ये हमें कुछ सामान देंगे। योर चांस टू फाइट फॉर समथिंग वर्थ गो ये तो इसका अट्रस्ट मिशन मी। है। कोऑर्डिनेट्स प्लॉटेड। ठीक है, इतना सामान ये नहीं दे दिया, मुझे लगा ये कुछ शिप देती होगी किसी तरह की। ओके, तो आइलैंड है यहाँ पे, हमारे पास शुगर किंग की फर्टिलिटी है, कॉर्न की है, कॉफी की है। ओके, तो बड़ा बेकार आइलैंड है, तो मुझे जल्दी से ना ये वाला आइलैंड भी लेना है। यहाँ पे कॉटन भी है, तो एक सेकंड में ओल्ड वर्ल्ड में चलता हूँ, Ready the ये ropes. वाली शिप उठा लेते हैं। इसमें जल्दी से थोड़ा सा मेटल लोड करके ना इसे भेज देता हूँ न्यू वर्ल्ड में, ताकि मैं Make वो आइलैंड sail. ले पाऊँ। अरे बाप रे, इतनी देर चल रही है क्योंकि विंड बिल्कुल अगेंस्ट है ना। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बेस मेटल और प्लैंक तो सारे भेज देते। तो हमारे आइलैंड का नाम है ला इसला, क्योंकि ये वाला है। और यहाँ पे भी पायरेट्स दिखे हैं मुझे दूसरे तरह के। यहाँ पे देखो, यहाँ पे शिप आ रही है। अच्छा नहीं, इसकी है, तो यहाँ पे भी शायद लगता है कि पायरेट्स हैं। तो ठीक है, हम इस आइलैंड को बिल्ड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले रोड डालता हूँ। ठीक है, तो इस आइलैंड के लिए भी हमें टिम्बर तो चाहिए ही, और टिम्बर की रेंज कहाँ तक आ रही है? ठीक है, तो हमें सोचो मेन ना यहीं पर बना। थोड़ा सा यहाँ पे नेचुरल लुक देने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा ज़्यादा सिमेट्रिक भी ना लगे ना। जैसे असली में होता है कि थोड़ा सा एसिमेट्रिकल चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए ये इतना लेआउट ठीक है, और इन्हें हम एक्सपेंड कर देंगे। तो सबसे पहले एक मार्केट प्लेस बिल्ड करते हैं और कुछ ये घर बिल्ड कर लेते हैं। और ये शिप हमारी पहुंच चुकी है, कहते हैं पिक कर ले। इसकी एक क्लिपर पे बिल्ड करते हैं। ओके, ये शिप बेच रही है हमें 5000 की, और ये क्लिपर बेच रही है 15000 की। तो यानी प्राइसेस तो सेम ही है, आर्चिबाल्ड भी सेम पैसों में बेचता है और हमसे आधे में खरीदते हैं। देख रहे हो कितना ज़्यादा प्रॉफिट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ब्रिक्स बनती हैं, और यहाँ पे ना पॉपुलेशन अलग है। देखो, इनके ऊपर ऑनेलरो, पता नहीं ऑनेलरो क्या प्रोनाउंस करेंगे इसे, ऑनेलर ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। ओके, तो अभी भी हम पे थोड़े से शॉर्ट पड़ रहे हैं। और यहाँ पे ना एक घर सिर्फ एक प्लैंक ले रहा है,
ओल्ड वर्ल्ड में एक घर दो प्लैंक लेता तो ये बात अच्छी है। तो अभी ना सामान नहीं मिल रहा, ठीक है अब मिलने लग जाएगा। और हम यहाँ पे शिप देख सकते हैं हमारी, देखो शिप कर गई मेरी, यहाँ पर आती है ऐसे क्रॉस करती है वो, तो या तो अभी ओल्ड वर्ल्ड से ही नहीं निकली इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रही, जब मैंने भेजी थी ना शिप गेट भेजी थी। ओके ठीक है, तो यहाँ पे इसका कुछ मिशन है क्या कह रहे हैं? ओके तो ये कह रही है कि इसके यहाँ से कुछ लोगों को उठाना है, ठीक है तो अभी उठाते हैं। ये रहा, ये देखो नया पायरेट मिल गया, यहाँ पे नहीं आया लगने, ये जा रही नया अलग पायरेट है ये। ठीक है तो इस आइलैंड पे देखो, ये ना न्यू वर्ल्ड के आइलैंड्स में देखो काफी सारा कैनाल्स है बीच में, तो यहाँ पे काफी प्लैंक लगेगा ब्रिज बनाने के लिए, तो यहाँ पे बहुत ऑप्टिमाइज तरीके से हमें फार्मिंग वगैरह करनी है। अब आप देख सकते हो कि ज्यादा जगह नहीं है। Every second counts. You have done a beautiful thing. तो हमें थोड़ा सा पैसा आ गया। और अब इस शिप को मैं यहाँ पे इसलिए कि मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा ना ध्यान देना पड़ेगा, इस शिप को ही देखते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है परफोरियन शिप हो सकती है, तो पता चले मेरी शिप डिस्ट्रॉय हो जाए, तो मैं थोड़ी सी शिप पहले न्यू वर्ल्ड से भेज दूंगा, यहाँ पे ओल्ड वर्ल्ड से फाइटर शिप्स भेज दूंगा, थोड़ी सी वॉरशिप्स होती हैं। इसका 2000 हिट पॉइंट है और 20 डैमेज पर सेकंड है। अच्छा इस गेम में ना कैरेक्टर भी होते हैं जो तुम यहाँ लगा सकते हो आइटम्स में, तो उससे इम्प्रूव हो जाता है। देखो ये यहाँ पे फिर से दिखी है पायरेट शिप, लेकिन ये डिप्लोमेसी में नहीं आ रहा, तो या तो ये अभी पीसफुल होगा या भी इसने कुछ को इंट्रोड्यूस नहीं करा। जब थोड़ी बहुत शिप्स हमें दिखेंगे ना, जैसे देखो ये वाली थोड़ी फ्लो गई है, फ्रिगेट ही है ये भी लेकिन पायरेट टाइप की है, तो ये थोड़ी सी अलग है, देखो इसके ऊपर पायरेट फ्लैग्स बन रहे हैं ना, मेरी वाली ये जा रही। ओके तो ये आइलैंड है, न्यू ऑर्डर्स एडमिरल, ये रुक जाइए, दिस इज ठीक है, हॉस्टाइल नहीं है, कीप हर कांस्टेंट, ठीक है तो मैं इनके लिए शिप दे दी यहाँ पे। मतलब इस आइलैंड को देख सकते हो, बिल्कुल सारा ऑयल एक्सट्रैक्ट हो रहा है इस आइलैंड से, ट्रेन चल रही है ऑयल निकाल रहे हैं परफोरियंस यहाँ से, क्योंकि उनकी सारी जो शिप्स है ना वो ऑयल वाली है। ओके तो ये कह रहे हैं कि शायद से ना हमारी इस शिप का अटैक भी हो सकता है, क्योंकि अब परफोरियन को पता है हम लोग ले जा रहे हैं, और ये लोग कौन है देखो, इनके वर्कर ही तो है, इतने से वर्कर से इतना सारा काम करवा रहे हैं, देखो इतने सारे ये चल रहे हैं, ये ट्रेन जा रही है, जल्दी से हम भी अपने आइलैंड पे ट्रेन बनाएंगे, ऑयल निकालेंगे, और एक बार मैं डिप्लोमेसी में जाके इकोनॉमी देखो इसकी कितनी ज्यादा है लेडी की, और हम इससे देखो कितना फर्क देख रहे हो, दोनों प्लेयर्स में कितना फर्क है, या ऑलमोस्ट मेक ऑल बेटर हो गई, इससे हमें तो रिलेशन अभी ना ठीक रखने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी इकोनॉमी भी ज्यादा है यानी उसके पास पैसा ज्यादा है, और उसके पास फ्लीट भी ज्यादा है यानी वो हमें आसानी से फोड़ भी सकता है। ठीक है तो हम एक ओल्ड वर्ल्ड में चलते हैं, यहाँ मैंने ठीक है कंस्ट्रक्शन कर ली थी, ये क्या बड़ा हुआ है, ये मेरी हर चीज क्या रखी है। ओके तो ये देखो जैसे 75,000 की ये शिप ये सेल मिल रही है जो कार को स्लो डाउन रेड्यूस करेगी मूवमेंट, लेकिन बहुत महंगी है, और बाकी चीजें यहाँ टाउन हॉल के लिए, तो अभी तो यहाँ से कुछ नहीं लेते। अभी यहाँ से मैं ख्याल से मैंने पता नहीं इसे क्या लेने भेजा था, चलो मुझे याद नहीं आ रहा मैंने क्या लेने भेजा था, तो ये हमारी शिप आई नहीं क्या अभी, चलो अभी तो परफोरियंस ने अटैक नहीं करा मेरे ख्याल से, जब हम थोड़े ज्यादा लोग ले जाएंगे ना तब वो बिल्कुल धावा बोल देंगे, अभी तो ये शिप सक्सेसफुली ले आई। और यहाँ पे आप तुम देख सकते हो हमारे पैरट्स की कितनी सारी शिप है, एक शिप की जा रही बड़ी है ये, और एक ही जा रही,
और एक और आई है ये रही। तो पायरेट्स के पास काफ़ी शिप्स हैं, होनी भी चाहिए, वो क्या करते हैं, चोरी तो करते हैं। ओके तो यहाँ पे ना इनकी कुछ नीड्स खुली है, तो इनका ये खुला है, ये क्या है? ओके फ्राइड बनाना चिप्स हैं, प्लांटेन बोलते हैं इसे लोग। तो हमें इसके लिए एक फिश फैक्ट्री चाहिए और एक फार्म चाहिए। सिविलियंस hoping for somewhere they can feel safe. You can the messenger boy has brought us a letter. You know not with whom you meddle. Leave if you value your life. ठीक है तो मैं धमका रहा है कि पंगा मत लो, तुम्हें उड़ा देंगे। The persecuted, the diaspora. और ये कुछ बेच रही है क्या? लेग्यूम्स बेच रही है सारा यहाँ पे भी। Make sail. तो मेरी शिप आनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे मेरे पे ये आ गई, आने वाली है सामान लेके, ठीक है पास में। क्योंकि यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन करना है मुझे अब, लेकिन ब्रिज ही यहाँ पे ले ले रहा है काफी ज्यादा अमाउंट। तो वह मैं यहाँ पे देखता हूँ यहाँ कितना है, यहाँ फार्म आकर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है पे फार्म तो लग गया है, और वेयर हाउस यहाँ पे आ जाएगा तो इन दोनों को अपग्रेड कर लेते हैं और फेशियल फैक्ट्री को भी कर लेते हैं। तो हमने रॉ मटेरियल्स की चेन डाल ली है और अब हमें ये बनाना है, और ये दो में बन रही है तो ये ठीक है। अब यहाँ पे ना ये देखो ये वाली चीज इधर आएगी, ये इधर आएगी। और शिप हमारी आ चुकी है मटेरियल लेके। A bold new expedition, Admiral. ठीक है तो ये यहाँ आ जाएगी, और इतने में इसे भेज देता हूँ दिल्ली में, क्योंकि दो शिप्स की यहाँ मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है साइड में। और इस वाली शिप के अंदर मैं क्या करूँगा, एक काम करता हूँ इस वाली शिप के अंदर ना थोड़े से वेपन्स भेज देता हूँ भर के, 20 वेपन भेज देता हूँ, 30 ब्रिक भेज देता हूँ और 50 प्लैंक्स भेज देता हूँ। और इसे हम अपग्रेड कर सकते हैं, इसके लिए 10,000 रुपये लगेंगे, लेकिन स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है तो मैं अपग्रेड कर देता हूँ। और यहाँ पे अब हमारे पास बीफ आने लग गया है, तो मैं क्या कर रहा था, यस मुझे आर्टिसंस के लिए ना कैनरी सेटअप करनी थी, ये रहा मैंने शायद इधर कहीं पर करी थी, हाँ ये रही। तो ये है इसे बीफ मिल रहा है, पैप्रिका मिल रही है और इसने गोलाश भी बना दिया, तो मुझे एक ये स्टार्ट करनी है। लेकिन इसके लिए ठीक है थोड़े से और आर्टिसंस लगेंगे तो ना अपग्रेड कर लेते हैं थोड़े से और, ठीक है। A victim of my own satisfaction. आर्टिसंस को चम चमा रहे हैं, देखते हैं। सेल्स तो मेरे पास बहुत सारी है, ये क्वेस्ट तो पूरा हो गया, देखते हैं कुछ रिवॉर्ड दे रहे नहीं दे। इन्होंने हमें टाउन हॉल में इक्विप करने वाला, अरे वाह रेंज 40% और अट्रैक्टिवनेस 10 भाई साहब, तो काफी अच्छा दे दिया था, शायद महंगा भी होगा। चलो तो यहाँ पर हमारी शिप आ गई है, ट्रांसफर कर लेते हैं सारे मटेरियल। और हमारा टास्क क्या है कि 300 लोग चाहिए ये ऑलिनर्स जो है, और एक बार इनकी प्रोडक्शन देख लेते हैं। तो ये वाला आइलैंड हमारा $75 खा रहा है, और तो प्लांटेन तो हम वन एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर देंगे जैसे ही साइकिल चालू हो जाएगी। और अब हमें रम चाहिए, और जो रम है ना वो हमारे उनकी भी डिमांड है, क्या बोलते हैं आर्टिसंस की, तो हमें ना यहाँ पे रम का थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ेगा, इस तरफ करते हैं रम का। और इसके लिए हमें यह चाहिए शुगर केन का, तो शुगर केन और ये तो 1:1 में, तो यानी एक शुगर केन का ये, तो फिर यहाँ पे भी फील्ड 128 ही मांग रही है वो, ठीक है पे एक और आ जाएगा।
यहाँ पर एक और आ जाएगा। अभी के लिए मैं सारी चालू नहीं करूँ। थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। और वेयर हाउस में एक्चुअली इस तरफ डाल लेता हूँ। ठीक है, तो ये लेआउट हमारा हो चुका है, तो मैं एक सेटअप कर देता हूँ। और इन्हें लकड़ी भी चाहिए, तो एक यहाँ पे फिटर भी लगाना पड़ेगा। तो ये बड़ प्रोड्यूस कर देगा। ओके, तो यहाँ पे ये टास्क क्या दिखा रहा है? ओके, हमारी ये इसलिए चालू नहीं हो पाई क्योंकि मैंने एक्चुअली रोड ही नहीं दी थी, तो इसने डिलीवरी नहीं करा। तो यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं ना फ्राइड प्लांटेड्स, यानी फ्राइड बनाना चिप्स। फ्रिगेट फर्स्ट क्लास। अच्छा, और शुगर केन वैसे हम उगाने की जगह बाद में ना खरीद भी सकते हैं। देखो, शुगर केन बेच रही है, कोकोआ बेच रही है, शुगर बेच रही है, और ये प्लांटेन बहुत मांगती है और वेपन्स बहुत मांग रही है। वेपन देखो 912, तो अगर मैं न्यू वर्ल्ड में अच्छा खासा वेपन फैक्ट्री डाल लूंगा तो मैं बहुत प्रॉफिट कमा सकता हूँ इसे बेच बेच के। तो हमारे पैसे देखो बिल्कुल आधे हुए, हल्का सा बिल्ड करने में इस गेम में पैसा बहुत लग जाता। तो यहाँ पर हम और घरों का इंतजाम कर लेते हैं। और इनके ना मेरे ख्याल से कुछ ये देखो, इन्हें शायद चर्च भी चाहिए ना, ये तो अभी तो नहीं दिखा रहा है चर्च, बट मेरे ख्याल में नहीं चाहिएगा। यहाँ पे भी शिपयार्ड बन सकता है। Ready the ropes? अरे मैं तो भूल गया था ये वाला किस लाया था। ये वाली शिप से तो हमें ये वाला आइलैंड लेना है। इसमें यहाँ पे से तो और वेपन आ गए हैं, तो हम यहाँ पे जाते हैं और गन अभी नहीं बना सकते। और यहाँ पे बड़ी वाली गन्स नहीं बन सकती, छोटी बन सकती है। प्रोडक्शन में ठीक है, तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना रहे हैं बनाना चिप्स, और रम भी थोड़ी एक्स्ट्रा बना रहे हैं, सप्लाई चेन जो है इम्प्रूव हो रही है। तो हमारी इनकम में जाएंगे तो अब ये आइलैंड अच्छा अभी भी ये नेगेटिव में चल रहा है, तो थोड़ी देर में पॉजिटिव आ जाएगा विद पॉपुलेशन। ठीक है, तो टाउन का स्टेटस आ चुका है, हमारे पास गन आ गई है। और ये फेस किस तरफ कर रही है? सही फेस कर रही है, इसको यहाँ लगा देते हैं। और यहाँ पे आग लग चुकी है और हमने फायर ब्रिगेड दिया ही नहीं था। ओके, तो ये कह रही है कि जो आग एकदम से लगी, देखो बिल्कुल इतने सारी लगा, तो ये कह रही है कि शायद से ये कुछ किसी की साजिश है, तो ये पहले आग बुझा देते हैं, फायर ब्रिगेड बन जाए। और हमारी शिप यहाँ पहुंचने वाली है। यहाँ पे विंड फिर से अगेंस्ट है, तो इसकी स्पीड बहुत कम चल रही है। बिल्कुल बीच में बनेंगे। फ्रिगेट फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो हमने एक और ये बना लिया। I'll admit, your people are willing. ये एडमिट हो गई मिलिट्री प्रोग्रेस से। अब क्योंकि इसमें ना देखो कैनन होती है, तो हमारा मिलिट्री स्कोर भी बढ़ता है नया। तो फायर ब्रिगेड यार ये बन जाए जल्दी से फायर स्टेशन, इतने में तो शहर ही जल जाएगा मेरा। जिसने भी आग लगाई है ना उसे छोड़ेंगे नहीं। और ओके, मैं 55 सेकंड के बाद ही एक्स्ट्रा यूनिट डिस्पैच कर सकता हूँ। तो फिलहाल ये वाली जाती है, देखते हैं। गाड़ी तो उनको बढ़िया सी है,
फायर ट्रक नहीं है ऑब्वियसली इस एरा में ट्रक से जो ये देखो इन घरों की सबकी हेल्थ हाफ हो चुकी है सब गिरने वाले हैं ठीक है सर फैब्रिकेट ने अपना काम कर दिया Your ship has returned from its voyage. ठीक है तो हमने जो यहाँ से शिप भेजी थी वो हमारे ओल्ड वर्ल्ड में पहुंच गई चाहे देखो ये दो तरफ से पानी डाल रहे हैं उधर भी क्या एक जना पानी डाल रहा है तो फायर इंटेंसिटी देख सकते हो गिर रही है और यहाँ पे 10 सेकंड के अंदर मैं दूसरी भी भेज सकता हूँ यहाँ पे ना मैक्सिमम 3 एक्स्ट्रा भेज सकते हैं तो जितनी ज़्यादा एक तो पॉपुलेशन और हैप्पीनेस स्कोर तो उतने ज़्यादा मेरे एक्स्ट्रा यूनिट इसमें अनलॉक हो जाएंगे ठीक है एक और यूनिट मैंने भेज दी तो इसकी एचपी वापस बढ़ेगी और सबका मार्केट रिक्वायरमेंट चली गई है क्योंकि वो जल गया तो ठीक है दूसरी भी आ गई और ये मुड़ी नहीं आ रही है पीछे वाले घरों पे जा रही है और ये देखो ये घर तो गिरने ही वाला है ठीक है मैं थोड़े इतने और बिल्ड कर लेता हूँ तो ये बढ़िया से बुझा दिया मैंने ये बहुत ट्रेड कर रहा है ये देखो इसने ये ट्रेड शिप को पायरेट से बचाने के लिए देखो आगे पीछे गन बोट चल रही है दो दो वो तो हमें भी निकल से ओल्ड वर्ल्ड में जाके ना मैं भी थोड़े गन बोट्स बना लेता हूँ क्योंकि गन बोट से इस काम के लिए बहुत अच्छी है कि शिप के पीछे लगा दें और मेरे पास अभी यहाँ ना सारी देखो छोटी शिप्स हैं तो मैं सोच रहा हूँ एक बड़ी शिप भी बाद में बना लेंगे और इसके लिए हम पे सेल्स की कमी पड़ गई है तो सेल्स की फैक्ट्री कहाँ थी यहाँ थी तो हम पे वूल तो इतना सारा है तो दो सेल मेकर चला देते हैं और मेरे साइलेंट के अंदर से आलू तो भरे ही जा रहे हैं भैया आलू पे तो मैं सोचता हूँ कुछ फार्म बंद ही कर दूँ शायद ठीक है मैंने बंदी कर दी बहुत ज्यादा आलू बना रहे हैं एंड देर आर रुइंस इन योर सिटी ओके तो ये तो भाई कह रहा है कि फायर इज आउट ऑफ कंट्रोल क्या है मुझे तो भाई सारी एक बिल्डिंग का लॉस हो गया मैं तो इसके कंस्ट्रक्शन में फिर से ठीक है तो फायर बुझ चुकी है फायर्स बिगिन इट इज देयर वार्निंग You must find these masks. Okay, तो ये कह रही है कि जो ये फायर लगी है ना ये शायद उन्होंने लगाई है परफोरियंस तो कह रही है उन्हें ढूंढो तो ये कह रही है बिल्ड अ पुलिस स्टेशन और अच्छा यहाँ पे भी आग लगी सौ में लुड़ा दिया इन्होंने मेरा you can rely on us. और मैं ना यहाँ पे ये बाय के लिए डाल देता हूँ तो अगर कोई शिप आएगी ट्रेड करने उस पर प्लैंक्स हुए तो मुझे सेल कर दे पॉपुलेशन स्टेशन के लिए हमें 300 पॉपुलेशन चाहिए और ये क्या है अच्छा ठीक है तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो लाइक मारो यार लाइक ही नहीं करते सिर्फ देखते छोड़ते रहो और पूरी वीडियो देखा करो यार पूरा एवरेज व्यू ड्यूरेशन करा रखा है तुम लोगों ने अच्छा तो ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो कोई तो मैं कमेंट्स अगले वीडियो के लिए सजेशंस हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ और सब्सक्राइब कर दो चैनल को मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में